يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى فيك अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामेईन हज़रात, आज मैं आप लोगों को एक सबक आमोज कहानी सुनाऊंगा। एक बादशाह इंसाफ पसंद और आवाम के दुख सुख को समझने वाला था, मगर जिस्मानी तौर पर एक टांग से लंगड़ा और एक आंख से काना था। एक दिन बादशाह ने अपनी ममलकत के माहिर मुसव्विरों को अपनी तस्वीर बनाने के लिए बुलवा लिया, और वो भी इस शर्त पर कि तस्वीर में उसके ये अयूब न दिखाई दे। सारे के सारे मुसव्विरों ने ये तस्वीर बनाने से इनकार कर दिया, और वो भला बादशाह की दो आँखों वाली तस्वीर बनाते भी कैसे, जब बादशाह था ही एक आँख से काना, और वो कैसे उसे दो टांगों पर खड़ा हुआ दिखाते जबकि वो एक टांग से भी लंगड़ा था। लेकिन इस इज्तिमाई इनकार में एक मुसव्विर ने कहा, बादशाह सलामत, मैं बनाऊंगा आपकी तस्वीर। और जब तस्वीर तैयार हुई तो अपनी खूबसूरती में एक मिसाल और शाहकार थी। वो कैसे, तस्वीर में बादशाह शिकारी बनकर बंदूक थामे निशाना बांधे है, जिसके लिए लामहाला उसकी एक कानी आँख को बंद और उसकी लंगड़ी टांग वाले एक घुटने को ज़मीन पर टेक लगाए दिखाया गया था। और इस तरह बड़ी आसानी से ही बादशाह की बेऐब तस्वीर तैयार हो गई थी। हासिल कलाम, क्यों न हम भी इसी तरह दूसरों की बेऐब तस्वीर बना लिया करें, ख्वाह उनके ऐब कितने ही वाज़े ही नज़र आ रहे हों। और क्यों ना जब लोगों की तस्वीर दूसरों के सामने पेश किया करें, उनके ऐबों की पर्दापोशी कर लिया करें। आखिर कोई शख्स भी तो ऐबों से खाली नहीं होता। क्यों ना हम अपनी और दूसरों की मुस्बत अतराफ को उजागर करें और मनफी अतराफ को छोड़ दें अपनी और दूसरों की खुशियों के लिए। एक हदीस पाक का मफहूम है कि जो शख्स मुसलमान की पर्दापोशी करेगा, अल्लाह ताला कियामत के दिन उसकी पर्दापोशी करेगा। अल्लाह तबारक व ताला हमें तमाम के ऐब को छुपाने की तौफीक अता फरमाए और उनकी खूबियों को बयान करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।